खुश आमदी तो सलाम, मैं हूं मेटिफाइड और आज मेरे बाबा तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा न्यूज है, तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखना और अगर चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी में से डेली न्यूज लाता रहता हूं। इसी के साथ आज की न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की सबसे बड़ी न्यूज जो हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है, वो आ रही है शाहवीर जाफरी की तरफ से। तो शाहवीर जाफरी ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की जिसके अंदर वो इस चीज का हिंट दे रहे थे कि किसी स्पेशल चीज पर वो काम कर रहे हैं और वो काफी टाइम से उस चीज पर काम कर रहे हैं और वो जल्दी आने वाली है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में ये कहा, बीन वर्किंग ऑन समथिंग स्पेशल फॉर अ फ्यू मंथ्स नाउ कमिंग सून। और यहाँ पर उन्होंने एक इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन किया जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या चीज होने वाली है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है, वो आ रही है भोला रिकॉर्ड्स की तरफ से। तो आप लोग अगर भोला रिकॉर्ड के एक फैन और भोला रिकॉर्ड को देखते हैं तो आप लोगों को इस मुहावरे का तो पता ही होगा कि अले ठीक हो ना। तो रिसेंटली सीन क्या हुआ कि भोला रिकॉर्ड बाहर जा रहे थे तो काफी लोग जो है उनको जब देखते थे तो यही कहते थे कि अले ठीक हो ना, और वो चीज उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी क्योंकि पब्लिक में इस तरह कहना बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था उन्हें। तो जिस पर वो काफी ज्यादा अपसेट थे, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लगाई जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि इस तरह ना करो, इसको टिकटॉक तक रखो। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में क्या कहा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरे दोस्तों की हाल चाल ठीक हो यार, मैं जिथे जाना जिथे खलोना जिथे बहना जाता हुआ आंदा हुआ एक ही आवाज मार देने, ओ की हाल है ठीक हो ना, खुदा दा वास्ते पब्लिक बेच ना परेशान करा करो, आंदिया जांदिया बहंदिया खलोंदिया लंघदिया एक ही आवाज मार दे की हाल चाल है ठीक हो ना। यार तुहाडी मुहब्बत है, तुहाडा प्यार है, बंदा परेशान हो जांदा है। ये तुहानू लोगों सहाना थे एवरी एक्टिंग करी दी पर एनी टाइम नहीं ना हो जाए चंगा हों, मनु तो लंघने बहन खिलोदे मैं कहना जनादे तो जाओ लो उ भी आई कि हाल चाल है ठीक हो ना, टीटो पार्टियां ला रहे कोई हाल चाल नहीं, बंदे का पुत्र बनो मौका वारदात वेखी दी है फिर गल करी दी है थोड़ा मुहब्बत प्यार है टिकटॉक की दुनिया के कसर आन दिया करो, पब्लिक बेस परेशान हो जाता बंदा। लव यू मेरे भावो, खुश रहो आबाद रहो, तुसी तुहाडा प्यार है मैनू वेख दियो मैनू मुहब्बत कर दियो, तुहाडा शुक्रिया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है, वो आ रही है युखानो की तरफ से। तो युखानो ने अपनी इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज लगाई जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, जिसमें लोगों से वो ये पूछेंगे कि स्पोर्ट्स को एज अ करियर सेलेक्ट करने में लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं। उन्होंने अपनी स्टोरीज में क्या कहा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल वेल। आप लोग कोरोना से दूर रह रहे हैं, सेफ रह रहे हैं, अपने घर वालों का ख्याल रख रहे हैं और मुझे दुआ में याद रख रहे हैं। सो फॉर द पास्ट मंथ मैं इस्लामाबाद में एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा हूँ रिगार्डिंग एथलीट्स एंड कैसे एथलीट्स या आप स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशनल करियर की तरह परसू कर सकते हैं पाकिस्तान में। सो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ फॉर बेटर क्लैरिटी, कि अगर आपने कभी, जो लोग ये स्टोरी देख रहे हैं, अगर आपने कभी स्पोर्ट्स को प्रोफेशनल करियर पाकिस्तान में परसू किया तो क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस आई थी, क्या क्या चीज़ें थी जो कि बेहतर हो सकती हैं फॉर फ्यूचर जनरेशन, ताकि वो परसू कर रहे हो अगर स्पोर्ट्स को एज ए प्रोफेशनल करियर या उसे पैसे कमाना चाहते हैं या उसी चीज़ में वो अच्छे और आगे एक्सेल करना चाहते हैं, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि मिसिंग है, फैमिली की तरफ से क्या मसले आ रहे थे, आपको क्या मसले फेस हुए थे। दूसरी जो मैं बात पूछना चाह रहा हूँ वो उन बच्चों से और उनके पेरेंट्स से जिनका स्कूल में ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ रुझान है और वो आगे इसे एज ए प्रोफेशनल करियर परसू करना चाह रहे हैं, उनसे मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या मसले फेस आ रहे हैं, क्या आपकी करियर काउंसलिंग उस तरह से नहीं हो रही, क्या स्पोर्ट्स के लिए उस तरह से करियर काउंसलिंग स्कूल्स में नहीं अवेलेबल कि उनको गाइडलाइंस दे, जैसे कि अगर आपने डॉक्टर बनना है या आपने इंजीनियर बनना है तो आपको पता बताया था कि यार ये सब्जेक्ट्स चूज़ करें, ये आप करियर पाथ चूज़ करेंगे तो आप को ये जॉब मिलेगी, तो अगर आप स्पोर्ट्स में करियर परसू करना चाह रहे हैं तो क्या आपके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है विद इन द स्कूल्स और विद इन द फैमिली सिस्टम, क्या आपको गाइडेंस दे सकें, मुझे आप बताएं कि आपके पास कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो जिनके बाद आपके पास आंसर्स नहीं है, सो आई कैन एड्रेस दैट इन द डॉक्यूमेंट्री एज वेल। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है, वो आ रही है जैज़िब सैमुअल की तरफ से। तो जैज़िब सैमुअल ने अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लगाई जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि उनकी अब जो वीडियोस हैं वो हफ्ते हफ्ते बाद नहीं आया करेंगी, बल्कि जब उनको ऐसा फील हो रहा होगा कि वो प्रोडक्टिव है वो तब वीडियो बना लिया करेंगे, क्योंकि अगर वो वैसे हफ्ते हफ्ते बाद वीडियोज अपलोड करें तो वो जल्दबाजी में वीडियोज अपलोड करेंगे और वीडियोस अच्छी नहीं होंगी और वो चाहते हैं कि वो प्रोडक्टिव काम करें। मजीद उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में क्या कहा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, आज जो है वो वीडियो नहीं आने वाली, वो इसलिए नहीं आने वाली क्योंकि मैंने नोट किया कि जब मैं हर हफ्ते वीडियो अपलोड करता हूँ मैं बहुत जल्दबाजी में वीडियोस बनाता हूँ कि यार ये वीडियो मुझे बनाने चाहिए, एक वीक खाली ना जाए और मैं बस ऐसे ही आलतू फालतू से वीडियोस जो अपलोड कर देता हूँ। अब मैंने नोट किया कि जब से मैं मतलब कि बेशक 10 दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 7 दिनों बाद कर रहा हूँ, 8 दिनों बाद कर रहा हूँ, 2 हफ्तों के बाद कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है उस तरह की वीडियोस बनाना, तो मैंने ये नोट किया कि अभी बेशक मैं 10 दिन बाद वीडियो अपलोड करूँ, 13 दिन बाद वीडियो अपलोड करूँ या हफ्ते बाद ही अपलोड करूँ, लेकिन जो वीडियो होगी ना वो मेरे जिस तरह के अभी पिछली 5 वीडियोस हैं उस तरह की वीडियोस होंगी। तो कल या परसों मैं वीडियो शूट करने वाला हूँ, आइडिया आ गया मुझे और फ्राइडे को न्यू वीडियो आएगी, स्टे ट्यून्ड।
सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, स्वाइप अप करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को सबसे पहले। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है, वो आ रही है साजिद अली की तरफ से। तो आप लोगों में से काफी लोगों ने मिर्जापुर तो देखी होगी, तो उसी के रिलेटेड साजिद ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जिसके अंदर वो ये कहे थे कि एक पैरोडी वीडियो बनाने वाले हैं इसके ऊपर। उन्होंने ये कहा, पैरोडी ऑफ मिर्जापुर, डू व्हाट इज परफेक्ट, कमिंग सून। इसके अलावा साजिद ने अपनी इंस्टाग्राम पर कुछ और स्टोरीज लगाई जिसके अंदर वो बेतु के कमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। इन शॉर्ट वो भीख वाले कमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में क्या कहा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक तो यार जो वीडियो बनाओ ना पेज पे लगाओ या यूट्यूब पे लगाओ, साले बिना वजह कमेंट करने वाले फौरन आ जाते हैं। मैंने एक वीडियो लगाई है बाइक पार्किंग के हवाले से, मैंने स्टोरीज बनाई है, वो मैंने लगाई पेज पे अपने, अभी भी लगाई है। सब डिस्कस कर रहे हैं उसको कि आईजी साहब को रिपोर्ट करो, ये करो वो सारा। नीचे एक बंदा आके बोल रहा है वेरिफिकेशन करा लो। अबे यार तू अजीब आदमी है भाई, कोई कह रहा है ये खरीद लो, वो अपने सेल्स के लिंक ठूस रहे होते हैं, क्या फायदा हुआ, डिलीट कर दिया मैंने, हाइड कर दिया, अंडरवेयर ले लो, बनियान ले लो। अबे भूतनी के तुम्हें मेरी वीडियो मिली है बेचने के लिए, कोई वीडियो लगाओ बेच, तुके कमेंट आते हैं फलाना फलाना देखना तो यहाँ देख लो। अबे जाके बेच अपना मंजन भाई कहीं और, हाइड कर दिया, अंडरवेयर ले लो, बनियान ले लो। अबे भूतनी के तुम्हें मेरी वीडियो मिली है बेचने के लिए, कोई वीडियो लगाओ बेच, तुके कमेंट आते हैं फलाना फलाना देखना तो यहाँ देख लो। अबे जाके बेच अपना मंजन भाई कहीं और। एक और बंदा है, एक और कोई है नमूना साला, वो उसने एक फॉर्मेट ड्राफ्ट रेडी करके रखा हुआ है, उस ड्राफ्ट में लिखा हुआ होता है, अब वो सबकी सारी यूट्यूबर्स की वीडियो के नीचे आता होगा वो, आई एम श्योर। मैं दिन रात एक करके मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, उस पे इफेक्ट लगाता हूँ, आफ्टर इफेक्ट लगाता हूँ, कटिंग करता हूँ, ट्रांजेक्शन लगाता हूँ, उसके बाद रेंडर निकालता हूँ, रेंडर निकालने के बाद वीडियो को अपलोड करता हूँ, लेकिन मेरे पास व्यूअरशिप नहीं आती, प्लीज मुझे सपोर्ट करें। ये पूरा ड्राफ्ट उसने रेडी करके रखा हुआ है वर्ड की फाइल पे, एक इंग्लिश में, रोमन में, उर्दू में, और यूं यूं करके कंट्रोल भी सबकी वीडियो के नीचे मारता रहता लिंक के साथ। तुझे तो बैन कर दिया मैंने बेटा, उखाड़ ले अब। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ जो यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है WT की तरफ से। तो मिस्टर जैक व्लॉग्स ने अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लगाई जिसके अंदर वो WT के साथ शूटिंग कर रहे थे, जिसका मतलब ये कि मिस्टर जैक व्लॉग्स और WT की एक कोलैब होने वाला है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर ये स्टोरीज लगाई। अच्छा छोड़ो यार, आपके तो ग्रेड्स ही बहुत कम है। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। 1990 में हम एक किराए के कमरे में रहते थे, 16 बहन भाई और मैं सुबह मजदूरी। 1 2 3 गो। अच्छा छोड़ो यार, मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। आपको पता है 1990 में हम एक किराए के कमरे में 16 बहन भाई रहते थे। तो लेट्स सी कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं और ये कैसी होने वाली है। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं हिप हॉप कम्युनिटी के बारे में। तो हिप हॉप कम्युनिटी में वहाँ पर सबसे पहले न्यूज आ रही है काकी 1000 की तरफ से। तो काकी 1000 का एक नया गाना आने वाला है जिसका नाम है स्ट्रीट रूल्स, जिसके बारे में उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की जिसके अंदर वो ये कहते हैं स्ट्रीट रूल्स कमिंग सून। इसके अलावा उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी लगाई जिसके अंदर वो ये कहते हैं स्ट्रीट रूल्स आज से 5 महीने पहले का ट्रैक है, मगर कुछ इश्यूज की वजह से रुक गया था, मगर अब सॉन्ग जल्द आ रहा है इसी हफ्ते में डार्क स्ट्रीट चैनल पर। तो लेट्स सी कि इनका गाना कब तक आता है और कैसा होने वाला है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज हिप हॉप कम्युनिटी में से आ रही है वॉरियर फादी की तरफ से। तो फादी का एक नया गाना आ चुका है जिसका नाम है डार्क नाइट। तो अगर आप लोगों ने वो भी सुना है तो आप लोग जाकर सुन सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ हिप हॉप कम्युनिटी में से आ रही है वॉरियर अकील सरफराज की तरफ से। तो अकील सरफराज का भी गाना जिसका नाम है खुले आम चले वो भी आउट हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने वो भी सुना है तो आप लोग जाकर सुन सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गेमिंग कम्युनिटी के बारे में। तो गेमिंग कम्युनिटी में सबसे पहले न्यूज आ रही है जलमी गेमिंग की तरफ से। तो पबजी मोबाइल ऑफिशियल पाकिस्तान ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की जिसके अंदर वो ये कहते हैं मीट योर हीरो, सम ऑफ यू ऑलरेडी नो हिम, बट फॉर दोज हु डोंट, मीट जलमी गेमिंग एंड गेट टू नो सम ऑफ हिज फेवरेट थिंग्स अबाउट पबजी मोबाइल। जलमी गेमिंग हैज एक्साइटिंग कंटेंट ऑन हिज यूट्यूब चैनल वेयर ही शेयर्स हिज टिप्स एंड ट्रिक्स एंड रिवील्स द लेटेस्ट हैपनिंग इन पबजी मोबाइल। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा जलमी गेमिंग के बारे में, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो पबजी मोबाइल पाकिस्तानी क्रिएटर्स के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रही है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज गेमिंग कम्युनिटी में से आ रही है वॉरियर स्टार एनोनिमस की तरफ से। स्टार एनोनिमस ने अपनी इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज लगाई जिसके अंदर वो अपने स्टार क्लैन के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि उनकी आंखों का थोड़ा मसला है तो वो आईपैड पे खेलते हैं और कंटेंट बनाते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, और उनका एक स्टार क्लैन है जो कि कंपेटिटिव खेलता है। तो वैसे तो वो खुद कंपेटिटिव नहीं खेलते, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि वो अपने स्टार क्लैन के लिए एज अ सब्स्टिट्यूट रहें और थोड़ा थोड़ा मोबाइल पे भी प्रैक्टिस करते रहा करें। उन्होंने मजीद अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में क्या कहा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अस्सलाम वालेकुम नानुस कबलिक, जरा बात इंपॉर्टेंट है तो प्लीज सबके सब जरूर सुनना। जैसे कि आपको पता है कि मेरी आईज का इशू है और मैं कॉम्पिटेटिव नहीं खेल पाता, आईपैड पे खेलता हूं। तो आईपैड पे ये होता है कि मुझे गेम प्ले बनाना होता है, एडिटिंग वो सब इजीली हो जाता है, लेकिन जो मेरी कॉम्पिटेटिव टीम है ना, टीम स्टार, वो खेल रही है तो अभी उसके प्लेयर्स भी नहीं है पूरे। तो लाइक पहले मैं मोबाइल पे खेलता था, मैं काफ़ी ठीक ठाक खेल लेता हूँ मोबाइल पे। तो अब मैं डिसाइड किया था कि मैं आईपैड पे अपना यूट्यूब वगैरह कंटिन्यू करूँगा, गेम प्ले वगैरह बना लिया, और लाइक फालतू टाइम में 5th पर्सन
ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूट एज अ सब्स्टिट्यूट अपनी टीम स्टार के साथ, स्टार के लिए खेलूंगा कॉम्पिटिटिव, लेकिन बहुत कम, लाइक ऐसा है कि ना होने के बराबर, बस 5th पर्सन हूँ। अगर कोई स्लॉट मिली, मतलब स्क्वाड में कोई पूरा नहीं है, स्लॉट है तो मैं जाके अपनी टीम की हेल्प करवा दूंगा। अच्छा, उसको भी क्लियर करने के लिए लाइक छोटा सा हैंड कैम और मेरा कुछ गेम प्ले, वो मैं अपना मेन अकाउंट यूज़ नहीं करूँगा गाइस, क्योंकि भाई लोग, क्योंकि गाइस लोग मारने के बाद टैग्स वगैरह करने लग जाते हैं, मेंशन पड़ रहे हैं हर जगह, तो भाई मैं मेन अकाउंट यूज़ नहीं करूँगा वहाँ पे, मतलब अपने सेकंड किसी अकाउंट से या किसी क्लैन मेंबर के अकाउंट से ही जाके स्क्रिम्स वगैरह खेल के पार्टिसिपेट किया करूँगा। तो छुपा वाला कोई काम नहीं है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देना चाहिए, ना कि छुप छुपा के भाई ऐसे करना चाहिए। मैं खेल लेता हूँ मोबाइल पर भी, कॉम्पिटिटिव खेला तो मतलब किसी क्लैन मेंबर के अकाउंट से, क्योंकि जगह पूरी करने के लिए जस्ट, ठीक है। और वैसे अपना यूट्यूब इंशाल्लाह आईपैड पे कंटिन्यू करेंगे। तो इसी के साथ आप बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। तो अचीवमेंट्स में हमारे पास सबसे पहले आ रहे हैं AMS गेमिंग, तो उन्होंने क्रॉस कर लिया 10K सब्सक्राइबर्स, राहिल प्लेज ने क्रॉस कर लिया 20K सब्सक्राइबर्स, और आज की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है दैट वॉज क्रेजी की तरफ से, तो उन्होंने क्रॉस कर लिया 400K सब्सक्राइबर। तो कंग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। तो बस आज की मैं इतनी न्यूज़ थी, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।